नमस्कार, मैं बसंत स्वागत करता हूं चैनल नेक्स्ट एफर्ट पर। साथियों, मैं लेके आया हूं इस वीडियो में एमपीपीएससी का यह मॉडल पेपर। साथियों, इस मॉडल पेपर को मैंने जो पुराने प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके अनुपात के अनुसार बनाया है। मैंने अलग अलग किताबों से इन प्रश्नों को चयनित किया है और हर टॉपिक से लिया है जो सिलेबस हमारे एमपीपीएससी का है वर्तमान में। और साथियों, हम एक एक प्रश्न की डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि एक प्रश्न से ही हमारे 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो जाएँ। मैंने इसमें बहुत ही मेहनत किए साथियों और आपके लिए बनाया है इसे, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखिए और लाभ लें। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सबसे पहले सार्क क्या है साथियों? यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और जिसका फुलफॉर्म होता है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और सार्क की स्थापना साथियों 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 8 दिसंबर को। और ये 8 देशों का एक समूह है जो राजनीतिक और आर्थिक एक मंच है यह सार्क। और इसका 19वां जो सम्मेलन हुआ था वो होना था, मतलब पाक इस्लामाबाद में होना था, इस्लामाबाद में वो कैंसिल हो चुका है, जो 2016 में होना था। और इससे पहले 18वां सम्मेलन जो है 26 से 27 नवंबर को हुआ है 2014 में, और नेपाल के काठमांडू में हुआ है। तो इसमें भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं, इसका चीन सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन दूसरा, द्रोणाचार्य पुरस्कार 29 अगस्त 2019 किसे दिया गया? साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हैं वो किसी कोच को दिया जाता है, तो विमल कुमार जो कि बैडमिंटन से और संदीप गुप्ता टेबल टेनिस से हैं, इन दोनों को दिया गया है यह द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो 29 अगस्त 2019 को दिया गया है। और इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए और बी। पुरस्कार 2019 किसे नहीं दिया गया? साथियों, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले खिलाड़ी थे, जो कप्तान थे, पूर्व कप्तान रह चुके हैं और जिन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी इंडिया को दिलाए हैं। और ध्यानचंद जी का जन्म जो है साथियों वो 29 अगस्त को हुआ था, और 29 अगस्त को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को हुआ था ध्यानचंद का जन्म। और सैयद शाहिद जो हैं इनको दिया गया है, और सैयद शाहिद फुटबॉल से हैं। और दूसरा ऑप्शन इसमें सुमराई टेटे ये हॉकी से हैं, इनको भी दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार 2019। भूपेंद्र सिंह जो कि एथलेटिक्स हैं, इनको भी दिया गया है। शिव प्रकाश मिश्र जो टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको ध्यानचंद पुरस्कार 2019 नहीं दिया गया है। वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन एक UNDP, जिसका फुलफॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ऑप्शन बी WB, इसका फुलफॉर्म होता है वार्नर ब्रोस। IMF का फुलफॉर्म होता है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड। और WTO का फुलफॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन करते हैं वो एक संस्था है, जो कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और UNDP है यह संस्था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, तो यह बिल्कुल सत्य है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, यह भी सत्य है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़, ये गलत हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर में है, जो कि कर्नाटक में है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये सत्य हैं। और भीतरकनिका अभयारण्य जो कि कटक में है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैसूर में है। निम्न में से कौन सा एक असत्य नहीं है, मतलब सत्य कौन सा है? महाजनपद और राजधानी। साथियों, 6वीं सदी ईसा पूर्व ये 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और इसकी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ
भगवती सूत्र जो है उससे इनकी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की, और इनमें सत्य है कौशल कुशीनगर, कौशल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है? सुनील झा, अनिल माधव दवे, शिवराज सिंह चौहान इन्होंने कब किया? महेश श्रीवास्तव। तो इसमें सही होगा महेश श्रीवास्तव, इन्होंने किया है मध्य प्रदेश गान की रचना। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ये व्यक्ति की ऊंचाई से 10 गुना, या ये सभी। यहाँ पे एक गलती हो गई है मुझे टाइप में, व्यक्ति ऊंचाई का आधा होगा इसमें सत्य, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप आधा। आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो वो अपनी ऊंचाई का जब आधा होता है तभी हम अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख पाते हैं। वो ऊपर हुआ तो हमारे पैर नहीं दिखेंगे और नीचे हुआ तो सर नहीं दिखेगा। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? NGT क्या होता है साथियों? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर को 2010 में, और इसका उद्देश्य है पर्यावरण संबंधित कानून बनाना, इसको बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाने के विरोध में इस कानून को बनाया गया है, जो NGT के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं साथियों, अध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, तो ये क्या है कि चेंज होते रहते हैं, तो इनमें हमें परीक्षा से एक महीने पहले हमें इन चीज़ों को देखना है, एक 15 दिन से पहले हमें इन चीज़ों को देखना है। तो इसमें सही ऑप्शन का आदर्श कुमार गोयल। क्वेश्चन 10, रिचर्ड एडिनबरो की फिल्म गांधी में जिन्ना की भूमिका किसने निभाई? 90 वर्ष की उम्र में निधन का हो चुका है, और अलिक पद्मसी ये थे वो व्यक्ति जिन्होंने जिन्ना का रोल निभाया था, और इनकी 2019 अभी निधन हुआ है 90 वर्ष की आयु में, और 2000 सन 2000 में इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था इसी फिल्म के लिए। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस साथियों 19 नवंबर को मनाया जाता है, और इसे 2010 2001 में सॉरी 2001 में पहली बार मनाया गया, 2001 से इसे 19 नवंबर को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी पहल की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे मनाया जाता है। 14वां G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कब हुआ? तो साथियों G20 क्या है? यह एक आर्थिक मंच है जो 20 देशों का समूह है, अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य इन समूह द्वारा किया जाता है, और इसकी स्थापना 1999 में 7 देशों के साथ हुई थी, और इसका 14वां सम्मेलन हुआ था 28 से 29 जून ओसाका जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पीली मृदा का पीला रंग किसके कारण होता है? तो लाल पीली मृदा का पीला रंग होने की वजह फेरिक ऑक्साइड होता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया, 30 जनवरी 1990। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, इसे बाद में जोड़ा गया है, और इसे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 द्वारा भाग 4 में संशोधन किया था उसमें, और अनुच्छेद 43 जो है अनुच्छेद 43 क में इसको जोड़ा गया है, किसको? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, इन सभी से।
साथियों वर्षा से किया जाता है। आपको देखा होगा या सुना भी होगा दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी बड़ा हुआ है, वायु प्रदूषण, और उसे वर्षा से बूंदें गिराई जाती है एक मशीन द्वारा। उस बूंदों से क्या होता है कि वायुमंडल में जो कण हैं उन कणों को जो पानी की बूंद होती है वो अपने में समेट लेती है, उसके बाद उसे साफ कर देती है, उसके साथ ज़मीन पे गिरा देती है। तो इससे क्या होता है कि वायुमंडल में जो व्याप्त तो विषैले कण हैं वो साफ हो जाते हैं पानी के साथ चिपक कर। जब वर्षा होती है तो आसमान साफ दिखाई देता है, उसकी यही वजह है कि वायुमंडल में उपस्थित जो कण हैं, अनवांछित कण हैं, वो साफ हो जाते हैं वर्षा से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, ये सत्य है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ, ये भी सत्य है। गुप्त काल 319 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, ये भी सत्य है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, ये भी सत्य है। तो सही ऑप्शन होगा ये सभी। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्सा, डेसिमल। तो सही ऑप्शन इसमें होगा बाइनरी। बाइनरी जो है साथी हो, बाइनरी लिख दिया मैंने, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि एक लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज होती है। जैसे कंप्यूटर में हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे के ए कुछ भी टाइप किया, तो वो के ए से नहीं जाता है, वो 0 और 1 से बनी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, उसी से वह इनपुट होती है। हम जैसा लिखते हैं वैसा नहीं जाता है मशीन के अंदर, वो 0 और 1 से बनी एक भाषा होती है, उसी से उसमें इनपुट होता है और वो अपने को आउटपुट देता है। निम्न में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, इसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और अरुण जेटली साहब का निधन भी अभी हुआ है, 24 अक्टूबर को हुआ है 2019, 24 अक्टूबर 2019 को उनका निधन हुआ। प्रथम बार नासा ने पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों K2-18b। ये पृथ्वी के समान ही दिखता है और इसका वायुमंडल भी लगभग वैसा ही है, तापमान थोड़ा कम है हो सकता है पृथ्वी से, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारा पानी है। यह पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है और जिसका तापमान 0 से 40 डिग्री तक हो सकता है, ये अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है। यह 111 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होती है। यह 111 प्रकाश वर्ष दूर है, बहुत दूर है, अभी तक वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो पाया है और इस पर जीवन होने की पूरी संभावना है, ये वैज्ञानिकों का कहना है। और इसको खोज किसने किया है? इसको कनाडा स्थित एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेंट्रियोल, यूनिवर्सिटी ऑफ मेंट्रियोल के प्रोफेसर बियर्न बेनेक ने किया है। किसने किया है? बियर्न बेनेक। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग MP फूड कमीशन का गठन कब हुआ है? 21 जुलाई 2017। मध्य प्रदेश फूड कमीशन की स्थापना 21 जुलाई को हुई है। इसका उद्देश्य है खाद्य को सुरक्षित करना। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? साथियों मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी होता है और मेन बुकर पुरस्कार भी होता है, ये दो पुरस्कार हैं अलग अलग। और ये पुरस्कार जो है 2018 का, ये दिया गया है ओल्गा टोकार्जू को, जो कि पोलैंड की रहने वाली है, एक महिला है, और इनका एक उपन्यास है फ्लाइट्स, उसी हेतु मिला है यह। और इसमें राशि दी जाती है 25,000 पौंड, इनको राशि दी गई है। और मेन बुकर की बात कर लेते हैं तो मेन बुकर पुरस्कार 2018, इसे उत्तरी आयरलैंड की एक महिला है एना बंस, उसको दिया गया है मेन बुकर पुरस्कार। और उनका एक उपन्यास था मिल्क मैन, उसके लिए ये मेन बुकर पुरस्कार दिया गया है। और मेन बुकर पुरस्कार जो है साथियों, ये साहित्य में दिया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत
नियम की शक्ति हैं, किसके पास हैं? राज्य के पास, केंद्र के पास, सरपंच के पास या केंद्र सरकार के पास? तो ये शक्ति होती है केंद्र सरकार के पास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? किसको देते हैं साथियों? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा? यह एक परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा जो है साथियों वारेनियस ने दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र? अब क्षेत्र की बात कर लेते हैं साथियों कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है साथियों इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन एवं मत्स्य पालन आता है। और जो द्वितीय क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत उत्पादन जैसे वस्तु निर्माण, इनसे संबंधित कुटीर उद्योग जैसे हुआ, वो चीज़ें इसमें उद्योग वगैरह आते हैं। और जो तृतीय क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत आता है जैसे कि निर्माण कार्य, सेवा क्षेत्र जो हैं वो पूरा इसके अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र में शामिल है बीमा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, भंडारण, व्यापार। और सही ऑप्शन भी यही होगा इसमें कि सबसे भारतीय सरकार को सबसे अधिक जो फायदा होता है, सबसे अधिक जो योगदान मिलता है सरकार को, वो तृतीय क्षेत्र से मिलता है, यानी परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, भंडारण, व्यापार वगैरह, इन चीज़ों से मिलता है, सेवाओं से। और सार्वजनिक क्षेत्र इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसके अंतर्गत जैसे कि सरकारी कोई भवन है, सरकारी क्षेत्र बनी हुई कोई संसाधन है, और या संस्कृति है, या पुस्तकालय हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, अनुसंधान है, शिक्षा सूचना क्षेत्र हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि वो इसलिए साथियों कि सामान्यतः पारे का प्रयोग किया जाता है तापमापी में, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। पारा क्या होता है साथियों? -39 डिग्री पर जमना शुरू हो जाता है, और ठंडे प्रदेशों में बहुत जल्दी जम जाता है, अगर उनसे थोड़ा सा भी माइनस में गया तो वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो एल्कोहल होता है साथियों, एल्कोहल -115 डिग्री पर जमता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक जो है वो निम्नतर होता है। क्या होता है? निम्नतर। तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक राजवंश की स्थापना गाजी मलिक ने की थी, और इनका एक और अन्य नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक राजवंश की स्थापना 1320 में हुई थी। कब हुई थी? 1320 ईस्वी में। और सल्तनत काल जो है, ये सल्तनत काल की सबसे लंबी अवधि का राज इस शासन में चला, यानी इस राजवंश ने दिल्ली पर 1320 से 1414 तक राज किया, यानी कि लगभग 94 वर्ष तक, सबसे अधिक समय तक राज किया था तुगलक राजवंश ने, जिसकी स्थापना गाजी मलिक ने की। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को या दी गई सूचना को? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। सही ऑप्शन होगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। कंप्यूटर भाषा जो है साथियों वो नंबरिकल भी होती है और सिंबॉलिक भी होती है, इसलिए ये दो प्रकार की होती है, चिन्हात्मक और सूचनात्मक, इस रूप में डेटा स्टोर रहता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कौन सा रहा साथियों? 136वां स्थान भारत का रहा है 163 देशों में, 136वां, यानी हालात बहुत गंभीर हैं। और इसमें सबसे शांतिपूर्ण देश जो है वो आयरलैंड है। कौन सा देश? आयरलैंड। निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किरण क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। विकिरण ऊर्जा का वह प्रकार है जो साथियों अंतराल में यात्रा करते समय तरंग जैसा व्यवहार करती है, यानी तरंग की तरह होती हैं, एक तरंग के प्रकार होती हैं, और इसका
जो इसकी जो क्षमता है वो दूरी के साथ कम होती चली जाती। जैसे कि प्रकाश से जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें भी एक विकिरण होती है जो पृथ्वी के नज़दीक आते आते विकिरण की ऊर्जा कम होती चली जाती है, यानी कुछ प्रतिशत ही ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंच पाती है वह होती है विकिरण। अब इसमें हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें सर्वाधिक कम ऊर्जा किस में होती है, किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, सॉरी, तो एक्स-रे किरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, ये विकिरण है। और चुंबकीय की बात करें जैसे कि विद्युत चुंबकीय, तो सर्वाधिक ऊर्जा वाली होती है गामा किरणें और न्यूनतम होती है रेडियो तरंग। ये चुंबकीय ऊर्जा है, और ये जो हम बात कर रहे हैं विकिरण, ये विकिरण है दृश्य किरण, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या अल्फोरेट। इनमें एक्सरे किरण सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है और सेकंड नंबर पे आती है अल्ट्रावायलेट, जो कम इससे कम ऊर्जा वाली होती है। और फिर आती है तीसरे नंबर पे दृश्य किरणें, इनमें इनसे कम और सबसे कम होती है अल्फ्रेड अल्फोरेट, इसमें होती है सबसे कम ऊर्जा। चंद्रयान 2 किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। चंद्रयान 2 जो है साथियों वो GSLV MK 3 द्वारा छोड़ा गया है, यानी बी सही होगा। और इसका जो लैंडर है उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। इसका वजन था 3.8 टन और इसका प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को और कब 2:43 को रात को हुआ था इसका प्रक्षेपण। और अंतरिक्ष मंत्रालय की बात करें सर, क्योंकि अंतरिक्ष मंत्रालय की बात करें तो अंतरिक्ष मंत्रालय किसके अधीन होता है? तो अंतरिक्ष मंत्रालय जो है साथियों प्रधानमंत्री के अधीन है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि तक लागू होगी? 2025 से सॉरी 2020 से 2025 तक। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा का उपसभापति, इसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें राज्यसभा का अध्यक्ष शामिल नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, और वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होते हैं। और इसका प्रावधान है धारा 4 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सुमेलित नहीं है राज्य और उनके लोकसभा सीटें। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें हैं 42, सही हैं। त्रिपुरा में 2 हैं, तेलंगाना में 17 हैं, सिक्किम में 1 हैं, ओडिशा में 21 हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें और बिहार में हैं 40 सीटें, यानी यह गलत होगा, बिहार में 40 सीटें हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कौन सी है साथियों? तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विभाजन कब हुआ था? सन 1910 में हुआ था। उत्तर कोरिया अमेरिका कब्जा था उत्तर कोरिया में, और उस समय जापान का कब्जा था दक्षिण कोरिया में। अमेरिका और जापान के बीच तनाव होने की वजह से इनका विभाजन हुआ था 1910 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। जल प्रदूषण तथा निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1974 को लागू हुआ था।
और 1988 में इसमें संशोधन भी फिर किया गया है। किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबागा से बीदर स्थानांतरित की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने, किसने की थी? अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी। किस लिए की थी? क्योंकि वो चाहता था शासन की ओर सुदृढ़ करना चाहता था और मजबूती करना चाहता था, इस वजह से उसने अपनी राजधानी में बदलाव किया था। नेटफ्लिक्स की स्थापना कब हुई? नेटफ्लिक्स क्या है साथियों? यह एक अमेरिकी वेबसाइट है जो इंटरनेट के माध्यम से फिल्में, टीवी शो व अन्य मनोरंजन सामग्री उपलब्ध कराती है, और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1997 को हुई थी। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? श्री केसी रेड्डी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, श्रीमती सरला अग्रवाल भी रहे, श्री एच वी पारस्कर भी रहे हैं, श्री गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। मध्य प्रदेश शासन का कालिदास सम्मान 2018 किसे प्रदान किया गया? एंजोली ईला मेनन व ए रामचंद्रन को दिया गया है कालिदास सम्मान 2018। प्रतिष्ठित कला सम्मान है यह, जो 1980 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी देख रहे हो आप, दशरथ मांझी, माउंटेन मैन। जरा इनके बारे में भी जान लेते हैं। दशरथ मांझी जो है साथियों, इनका जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ था गहलोर बिहार में, और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2007 को हुई। और इन्होंने पहाड़ को खोद के रास्ता बनाया था, और क्यों बनाया था? 22 वर्षों तक इन्होंने प्रयास किया। जो जीवन साथी थी फाल्गुनी देवी जिनका नाम था, वह उस पहाड़ी से गिरकर मर गई थी, तभी से इन्होंने प्रण लिया और 22 वर्षों में पहाड़ी खोद कर रास्ता बना डाला। तो साथियों, हमें यह सीख मिलती है कि अगर दृढ़ निश्चय हमारे मन में, दिल में हो, तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता? कुछ भी हासिल किया जा सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। देश प्रेम दिवस कब मनाया जाता है? देश प्रेम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, और सुभाष चंद बोस का जन्म दिवस है 23 जनवरी। इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है देश प्रेम दिवस। निम्नलिखित में से किसे मानवाधिकार का जन्मदाता कहा जाता है? महान घोषणा पत्र जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इंग्लैंड द्वारा 1215 में इसे लागू किया था, इसी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम मानव अधिकारों से संबंधित दस्तावेज हैं यह, और इसे इंग्लैंड के राजा जॉन ने मंजूर किया था। ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र के लोगों से, जिला अधिकारी से, अभिसूचित विशिष्ट लोग या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। जी हाँ, इसमें सही ऑप्शन होगा सी। और संविधान के भाग नौ में अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243A में है प्रावधान ग्राम सभा का। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय, भारतीय बैंक संघ, RBI द्वारा, या MPO ऑनलाइन से? तो बैंक शाखा खोलने के लिए हमें लाइसेंस मिलता है, वो मिलता है RBI द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक से। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI से संबंधित कुछ और जानकारी। बैंक की कार्य पद्धति जो है साथियों, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखी थी। जब 1926 में कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस के नाम से आया था, तब बाबा साहब ने इसको सामने रखा था, इसकी कार्य पद्धति को। पहले यह एक निजी बैंक था, जिसे 1949 में भारत सरकार का उपक्रम इसे बना लिया गया है।
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है तो फरवरी 2009 में, और राष्ट्रीय गंगा भी इसे फरवरी 2009 में घोषित किया मनमोहन सरकार के समय। और 20 फरवरी 2009 की बात है यह, जब गंगा राष्ट्रीय नदी बेसिन का प्राधिकरण बनाया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3.3 के अंतर्गत किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि 2020 तक प्लास्टिक मुक्त करना है और अपशिष्ट युक्त जो मुक्त गंगा को करना है। और 2009 में ही तत्कालीन जब उस समय पीएम थे मनमोहन सिंह, उन्हीं ने ही घोषणा की थी कि गंगा राष्ट्रीय नदी है। खान कहा किससे संबंधित है, बौद्ध आश्रम, जैन आश्रम या सूफी आश्रम, सीधी सी बात है सूफी आश्रम से संबंधित है। बैकअप क्या होता है साथियों, अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्त्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर के डेटा को संरक्षण करना, संबंध छूटना, उसे ब्रेकअप कहते हैं साथियों, बैकअप नहीं, टेप पर डेटा को एक्सेस करना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा मूल स्त्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना। साथियों जब आपने मोबाइल नया लिया होगा तो उसमें बैकअप के लिए ईमेल मांगी होगी, यानी जब हमारी ईमेल किसी वजह से कुछ हो जाए, डिलीट वगैरह कुछ हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो अदर ईमेल हम उसमें जोड़ते हैं तो उसमें बैकअप हो जाता है, जितना भी डेटा दूसरी ईमेल पे पड़ा था किसी वजह से बंद होने की वजह से वह जिस ईमेल को हम जोड़ते हैं उसमें आ जाता है, उसे बोलते हैं बैकअप प्रोग्राम। यह एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में स्टोर सारे सूचना को कॉपी करके इच्छित जगह पर रखता है जिससे मेमोरी में कोई क्षति नहीं पड़ती है और सूचनाओं को फिर से हम संग्रहित इसके द्वारा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 19 जनवरी 1994 में किया गया। तो साथियों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, 51 से 100 क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, आप बोर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अगला वीडियो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप कमेंट ज़रूर करें किसी प्रकार का चेंज चाहते हैं, मैं इसी प्रकार से पेपर बना के आपके सामने लाता रहूँगा और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा लगने लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं। मैं बहुत सारी किताबों से, पेपर सेट से, मॉडल पेपरों से और जो ओल्ड पेपर हैं उन सभी को मिला के इन प्रश्नों को मैं बनाता हूँ। धन्यवाद।